हेलो दोस्तों, जेके रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आदत हो तो मैं अगला सवाल करूं। नहीं, मुझे बात मुकम्मल कर दे लेने ना। आप बात सुनने का सलीका अगर आप सीख जाएं तो फिर आप सलीका उसमें ये आप थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, मुझे लगता है शायद आपकी बात आप लेकिन आप कंटिन्यू करें थोड़ा फास्ट। बात करने का ढंग आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। दुश्मन मुल्क है इंडिया, ये इसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और बाकी मुल्कों के साथ कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो आपने बोला दुश्मन मुल्क वाली सोच हम छोड़ क्यों नहीं देते, और दूसरे नंबर पे क्यों बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्री है ना। आप ना गहराई में जाए तो पाकिस्तान का मफाद ये है कि अफगानिस्तान का फायदा हो, इंडिया का ये मफाद नहीं है कि अफगानिस्तान का फायदा हो। इंडिया सिर्फ अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं उस पे मैंने थोड़ा सा वो लड़की वाला बीच में एलिमेंट लेके आए ना कि आपने लेडी को हमने भेजा वहाँ पे वर्गलाने के लिए, तो मैं इसलिए मैंने वो बात से बात बड़ी कि इसका मतलब नहीं, ये वर्गलाने का दिमाग आपका है। मैंने वर्गलाने वाला इस्तेमाल नहीं किया, ये आपकी सोच है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो इस्तेमाल किया ही नहीं है। ये आपने बोला कि भाई एजुकेशन दे के वर्गला रहे हैं, वो ये तो आपने बात की है कि नहीं कि भाई उन्हें पाकिस्तान के ये आप अपने कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी है, ये वर्गलाना आपके दिमाग पर बैठा हुआ। आपने ये मैं आपको दिखा देता हूँ ना रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, यही लफ्ज बोला है। नहीं, आपका आपकी यादाश्त बहुत कमजोर है। अगर आपने बोला हुआ आपका दिमाग कमजोर है। मैंने आपने बोला हुआ फिर जिसने ये लफ्ज बोला उस पर लानत। लेकिन आप इस वाले से बात करें ना, कि पाकिस्तान में इतने इतने अमीर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको बेहतर पता है मुझसे, ठीक है ना। इतने अगर वो अपनी दौलत में से एक एक परसेंट भी दे ना उधर, तो इंडिया को भूल जाओ आप लोग। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, मानते हैं या नहीं? एजुकेशन सिस्टम बहरहाल वहाँ बेहतर होगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में भी बेहतर है। आप क्या इसके बारे में कहते हैं, मानते हैं या नहीं उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, आईटी का सिस्टम बेहतर है, उनके इंजीनियरिंग का सिस्टम बेहतर है? नहीं, इंडिया का हमसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। अभी मैं वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवाज। क्या करते हैं? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, जबरदस्त। आपके मतलब का ही फिर आज टॉपिक है, एजुकेशन कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल वेपन है, ठीक है। अभी इंडिया ने तकरीबन 2,500 के करीब स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं अफगानिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, अफगान स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फीमेल्स के लिए भी स्कॉलरशिप है और लड़कों के लिए भी स्कॉलरशिप है। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो यहाँ बताया जाता है अफगानिस्तान को इंडिया यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो तो एजुकेशन दे रहा है। ये हकीकत है कि यही मकसद है इंडिया का स्कॉलरशिप अफगानियों को देने का, कि ताकि वो उनकी ब्रेन वॉशिंग करके तो वापस उनको अपने मुल्क में भेजें। और ब्रेन वॉशिंग ये होगी कि पाकिस्तान उनके जहन में ये डाल दिया जाएगा कि वे पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुश्मन है, जो कि गलत है। नहीं नहीं, एजुकेशन देने से अवेयरनेस आती है या ब्रेन वॉशिंग होती है? आप इसके ऊपर, आप तो राइटर हैं मेरे दोस्त। एजुकेशन का नाम सिर्फ लिखना पढ़ना तो नहीं होता, कि कोई शख्स सिर्फ वो अलिफ बे पढ़ ले और लिख ले, ए बी सी पढ़ लिख ले, ठीक है। वो एजुकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा, लेकिन उसका उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करके भेजी जाएगी। और पहले जो अफगानिस्तान और इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात हैं, वो भी सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर ख़राब हैं। ठीक है, अच्छा, आपने बोला कि ब्रेन वॉशिंग के लिए, तो हम भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम, मतलब यह कि हम इस तरह हमारे पे इल्जाम है कि हमने भी वेपन दिए हैं, आपको पता है कि हमने कौन से वेपन दिए हैं, और एग्री करते हैं या नहीं? आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब देने दें और आप खामोश हो जाएं। जितनी मदद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की है किसी और मुल्क ने नहीं की, लेकिन ये गलतफहमी अफगानियों को हमेशा ये रहती है, चाहे इससे पहले वाली वो सेकुलर गवर्नमेंट थी या आज की तालिबान की गवर्नमेंट है या माजी बईद में ज़ाहिर शाह की गवर्नमेंट होती थी, शहनशाह की, बादशाह की, तो हमेशा अफगानियों को गलतफहमी ये रही कि पाकिस्तान उनका मुखालिफ है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान उनका खैरख्वाह है। नहीं, इजाज़त हो तो मैं अगला सवाल करूं। नहीं, मुझे बात मुकम्मल कर दे लेने ना। आप बात सुनने का सलीका अगर आप सीख जाएं तो फिर आप सलीका उसमें ये आप थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, मुझे लगता है शायद आपकी बात आप लेकिन आप कंटिन्यू करें थोड़ा फास्ट। बात करने का ढंग आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। ठीक है। अच्छा, तो माजी बईद हो या माजी करीब हो या हाल हो, पाकिस्तान हमेशा अफगानियों का खैरख्वाह रहा है और उनकी हमेशा बढ़ के मदद करता रहा है, लेकिन उन वो गलतफहमी है उनके और पाकिस्तान के दरमियान, वो समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी मुखालफत करता है। और इसी गलतफहमी को ज़्यादा हवा देने के लिए
इसी बात को बढ़ाने के लिए, इसी बात को अफगानियों अफगानी नौजवानों के दिलों में और जहन में बात डालने के लिए इंडिया वहाँ बुला रहा है कि ताकि इंडिया उनकी ब्रेन वॉशिंग करके भेजे कि पाकिस्तान उनका मुखालिफ है। एजुकेशन किताबें तो पढ़ी जाएंगी, एक दो डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन असल मकसद सियासी तौर पर उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी है कि इंडिया उनका दोस्त है और पाकिस्तान उनका दुश्मन है, जो कि बिल्कुल गलत है। हकीकतन गहराई में जाएं तो पाकिस्तान का मफाद ये है कि अफगानिस्तान का फ़ायदा हो, इंडिया का ये मफाद नहीं है कि अफगानिस्तान का फ़ायदा हो। इंडिया सिर्फ अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। हकीकत ये है, हम न अफगानिस्तान के खिलाफ हैं और ना ही हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग ये है कि अफगानिस्तान की मदद हो सकती है तो वो भी कर दो, और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ख़राब न करो कि पड़ोसियों के साथ लड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। अब मिसाल लीजिए चाइना और इंडिया की, चाइना और इंडिया का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एक टेरिटरी पे, उनकी जंगें भी हो चुकी हैं उस पर, इसके बावजूद उनकी तजारत भी होती रहती है और उनके हुक्मरान एक दूसरे का मुल्क भी विजिट करते रहते हैं, तो हमें भी इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए और इंडिया को समझाना चाहिए कि तुम अफगानियों को न वरगलाओ, और अफगानिस्तान वालों को भी बताना चाहिए कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपको अगर कोई वरगलाता है तो आप उस बात पर ना आए। थैंक यू। ठीक है, मैं आके ये कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि पाकिस्तानी खैर ख्वाह है, नो डाउट पाकिस्तान की जो पब्लिक है बहुत मोहब्बत रखती है, सारे लोगों से मोहब्बत रखती है, लेकिन उनका ये अफगानिस्तान वालों का कहना है कि अमेरिका को अड्डे कौन देता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान, उनका ये कहना है, फिर इसके अंदर सुनिए, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही अफगानिस्तान का भला नहीं चाहते, पाकिस्तानी हुकूमत भी हमेशा, चाहे मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की है, चाहे उस पहले पीटीआई की थी, चाहे उससे पहले फौजी हुक्मरान रहे हैं, हकीकतन चूँकि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि अफगानिस्तान का नुकसान ना किया जाए, इसलिए पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें अफगानिस्तान के हक में ही रहे हैं। आजकल कोई अड्डा नहीं अमरीका को दिया हुआ, ये वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ऐसा हुआ, ये तो है। जो वो जनरल मुशर्रफ एक इंतहाई घटिया और कमीना इंसान था, उसने हर वो काम किया जो पाकिस्तान की मफाद के ख़िलाफ़ था, जो अफगानिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ था, जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, वो जनरल मुशर्रफ करता रहा है, लेकिन वो सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर तक में, मुशर्रफ के अपना उसके बाद जरदारी साहब के दौर में नहीं अड्डे दिए, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो सब कुछ वाइंड अप किया गया है, उसके बाद तो फिर अफगानिस्तान के हक में पॉलिसी रही है। आजकल कोई अड्डा नहीं है अमरीका के पास। क्यों नफरतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, क्यों आए दिन पाकिस्तान में धमाका होता है और उसकी वहाँ से आती है जी हमने किया? वो जो साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो गलत पॉलिसियां चलाई थी अफगानिस्तान के बारे में, उस वजह से आज भी गलतफहमी है, और उनकी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि चूंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ताऊती कुव्वतों का एजेंट था, इसलिए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ काम करता था। अब वो मर चुका है, दफा हो गया है इस मुल्क से, इस वजह से पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अफगानिस्तान का मुखालिफ हो। वो पुरानी गलतफहमियां अफगानी जो हमारे बहन भाई अपने जेहन से निकाल दें। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में गलतफहमियां निकल जाएंगी, नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, जो जैसे नफरतें मुझे तो बढ़ती नज़र आ रही हैं, आप एग्री भी कर सकते हैं डिसएग्री भी, लेकिन मुझे तो बढ़ती नज़र आ रही हैं। अभी रशिया में एक मीटिंग थी अफगानिस्तान के इशू को लेकर, जिसमें इंडिया भी गया, जिसमें ईरान भी गया, जिसमें रशिया तो ऑलरेडी मौजूद था, चाइना भी गया, पाकिस्तान नहीं गया। कैसा खैर ख्वाह है? देखिए, सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है, कैसा खैर ख्वाह है कि मीटिंग था कि इशू हल किए जाएँ, उसमें पाकिस्तान गया ही नहीं? सुनिए, वो मसला ये है कि गलतफहमियां दूर करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जिस दोस्त को गलतफहमी हो उसकी ज़बान में बात की जाए और उस तरीके से बात की जाए जो वो तरीका समझता है, और उस बंदे से कहलवाई जाए जिस तरह के बंदे को पसंद करता है। तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने क्या ब्लंडर किया कि तालिबान की हुकूमत है वो ख्वातीन को पर्दे में देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने वो हैना रबानी खर को मॉडर्न वो कपड़े पहना के और मॉडर्न ज्वेलरी पहना के तालिबान के सामने खड़ा है वहाँ भेज दिया, तो वो मिले उन्हें गलतफहमी तो साफ ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ेंगी। और जब एक कौमी असम्बली के एक अकलमंद रुकन ने इस बात पर निशानदेही की कि यह तुम लोगों ने गलत किया है, किसी मर्द को भेजना चाहिए था, तो उसके खिलाफ
जितनी थॉट लेस औरतें थी, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, अगर उनमें अकल है तो मेरे सामने आके मेरे साथ मुकालमा करें, जितनी कौमी असम्बली में थॉट लेस किस्म की औरतें थी उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि और बशमूल वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब के, भाई उनमें अकल नहीं है कि जो लोग ख्वातीन को पर्दे से बाहर देखना पसंद नहीं करते हैं उनके सामने आपने मॉडर्न औरत को भेजा, मॉडर्न कपड़े पहना के और मॉडर्न ज्वेलरी पहना के, ठीक है, तो वो फिर गलतफहमी बढ़ेगी या गलतफहमी कम होगी। ठीक है, मुझे ये बताएं आप क्या समझते हैं जो अफगानिस्तान की जो इसम हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो कहते हैं लड़कियों की एजुकेशन हम नहीं मानते, हम नहीं एजुकेशन देंगे लड़कियों को, तो आप उससे इसका मतलब एग्री करते हैं? मैं ना उससे एग्री कर रहा हूँ ना मैं उससे डिस एग्री कर रहा हूँ, वो उनका डोमेस्टिक इशू है, ये एक अलग इशू है। जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं उस पर मैंने थोड़ा सा वो लड़की वाला बीच में एलिमेंट लेके आए ना कि आपने लेडी को हमने भेजा वहाँ पे वर्गलाने के लिए, तो मैं इसलिए मैंने वो बात से बात बढ़ी कि इसका मतलब नहीं, ये वर्गलाने का दिमाग आपका है, मैंने वर्गलाने वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ये आपकी सोच है, मैंने ये नहीं कहा मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया ही नहीं है, आप गलत ट्विस्ट न दे मेरी बात को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुनियादी असूल है, जब आपने किसी बंदे को कन्विंस करना हो अपने हक में करना हो तो उसकी जुबान में गुफ्तगू की जाती है, उस तरीके से बात की जाती है जिस तरीके से वो बात समझे पसंद करे, और ऐसे बंदे की जुबानी करवा जाती है कि जिसको अच्छा समझे, वो अच्छा समझे। तो आपने बिल्कुल काम हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल उल्टा किया। मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि हेना रबानी घर का खर को तालिबान के पास भेजना दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और जिन लोगों ने इस इशू पर वो हेना रबानी खर की हिमायत की वो तमाम के तमाम लोग ब्लंडरबाज हैं। अकल इस्तेमाल करें, मुल्क को का खिलवाड़ ना करें मुल्क के साथ, अकल इस्तेमाल करके करें। अगर आपने खारजा पॉलिसी मौसर बनानी है तो तालिबान के पास ज़्यादा बेहतर ये था कि कोई मजहबी इस्लामी ज़हन रखने वाला मेम्बर ऑफ कौमी असम्बली भेजा जाता जो उनकी जबान में उनके साथ गुफ्तगू करता, उनके साथ नमाज पढ़ता और उनको समझाता, ये तरीकाकार था। ये जो ये हेना रबानी खर जैसी खातून जो है ये तालिबान के पास भेज के आपने उनको उंगली चुभोई है, आपने उसको खराबी की तरफ धकेला है, इंस्टिगेट किया है आपने, आपने अपने हक में उनके नुक्ता नज़र को उनको मायल नहीं किया। हेना रबानी खर को जिन्होंने भेजने का कहा वो पाकिस्तान के लिए का फ़ायदा नहीं चाहते, वो पाकिस्तान का वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चपकलश कायम रहे। जो शख्स ये चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो वो किसी अक्लमंद मर्द को भेजेगा, हमारी पसंद की बात नहीं है, तालिबान की पसंद की बात है, क्योंकि वो बेपर्दा खवातीन को पसंद नहीं करते तालिबान, इसलिए बेपर्दा खातून वहाँ पर भेजना गलत था। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, थोड़ा सा इनका मिजाज अपना था, अच्छा मिजाज लगा मुझे, इन्होंने जो बातें की उससे आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो तो देखने वालों की ओपिनियन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी, मैं ना मजहबी आदमी हूँ ना मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सिर्फ एक लॉजिकल और मंतकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके इस लॉजिक की सॉरी मुझे समझ नहीं लगी, आपने बोला कि भाई एजुकेशन दे के वर्गला रहे हैं, वो ये तो आपने बात की है कि नहीं कि भाई उन्हें पाकिस्तान के ये आप अपने कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी है, ये वर्गलाना आपके दिमाग पर बैठा हुआ है। आपने ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी यादाश्त बहुत कमजोर है, आपने बोला आपका दिमाग कमजोर है, मैंने जिसने ये लफ्ज बोला उस पर लानत, मैंने कहा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करके भेज दीजिए, ये मैं आला तालीम याफ्ता आदमी हूँ, ये मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी आपकी है, मेरी टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। ठीक है, माजरत चाहता हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कायद फरमान ब्रोंग। आपका नाम? रहीम गोजाली। गोजाली, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कैप पहनी है इस कैप को क्या कहते हैं, देखने वालों को थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें, मुझे तो पता है। जी ये गिलगित बल्तिस्तान के सकाफत है, गिलगित बल्तिस्तान की कैप है ये, ये देसी भेड़ बकरियों के ऊन से बनता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप इसका मतलब गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान वादी हुंजा से। ठीक है, मैं टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के रिलेशन नेबर कंट्री खास तौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते? ये शुरू से इस तरह हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे हमसाये ममालिक हैं, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हमारा हमसाये मुल्क है, ईरान है, इन सब के साथ बदकिस्मती इसका है ये ना, तो हमारे जो आगे लीडरशिप है इनकी कमजोरी समझे, इनका मुफाद समझे,
इन मुल्कों के साथ खास तौर पर तुर्की रिलेशन खराब हो रहे हैं। आपने इस्लामिक कंट्री बताए हैं, अच्छा इंडिया की बात करें उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं इन सारों के, तुर्की के साथ अभी उसके जैसे रिलेशन है जैसे वो हेल्प कर रहा है, ईरान के साथ उसके रिलेशन गैस पाइपलाइन को लेकर, और अफगानिस्तान के साथ अगर बात करें अभी तकरीबन 2500 के करीब उन्होंने अफगान स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किया है इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो एजुकेशन सिस्टम भी दे रहे हैं अफगानिस्तान वालों को, उनकी पार्लियामेंट भी वो बना रहे हैं, इसके अलावा आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, क्यों दिन ब दिन उनके रिलेशन कैसे बेहतर होते जा रहे हैं? उसकी वजह यह कि जैसे आपने बोला हमारे जो अभी इस वक्त की गवर्नमेंट है ना उनकी इंडिया और चंद एक ममालिक के साथ इसलिए कि उनकी बिजनेस है ना उनके साथ, उनके मुल्क के अंदर उन्होंने हमारे मुल्क के टैक्सेस के हमारे मुल्क का पैसा लूट के वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो किसी और वजह से नहीं मुल्क के लिए नहीं अपनी जाती मफादत है जिसकी वजह से चंद ममालिक के साथ अच्छी, जबकि यही चीज मेरी बात नहीं समझे आप शायद समझ गए कि इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे, मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्या वजह है कि वो है भी इस्लामिक कंट्री है फिर भी हमारे साथ बेहतर नहीं हो पा रहे रिलेशन, इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और इवन 200 करोड़ का बजट उन्होंने अनाउंस किया अफगानिस्तान के लिए इंडिया वालों ने। देखे ना जी ये हालांकि पाकिस्तान को चाहिए बेहतरी अफगानिस्तान के साथ करे, ईरान के साथ करे, तुर्की के साथ करे, अभी हाल ही में तुर्की में जिलजिले की वजह से वहाँ पे इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद आप यकीन करें पाकिस्तान से कोई खास इमदाद नहीं हुई है, खास नहीं हुई, लेकिन अभी मैं देख रहा था एक इंडिविजुअल ने एक पाकिस्तानी ने बहुत से पैसे भेजे हैं 30 बिलियन जो से 30 मिलियन ऑलमोस्ट उन्होंने भेजे। तो आपकी जाती तौर पर हो गई ना हुकूमत पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पे हुकूमत है इसने वहाँ पे कोई खास इमदाद नहीं की जिससे वहाँ के प्रेसिडेंट नाराज हो गए, उन्होंने इनको आने से भी मना किया, तो यकीन करें अगर ये इस तरीके से ये हुकूमत चलती रही तो खुद पाकिस्तान का खुदा हाफिज है, तो रिलेशन दिन ब दिन खराब होंगे। तुर्की तो वो कंट्री था जिसका हम कहते थे कि ये हमारा वो वाहिद कंट्री है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ, सिर्फ तुर्की नहीं आप यकीन करें तुर्की हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान के रेट की हरी की मानंद है, कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो सबसे पहले इन ममालिक के साथ देना है, हमारे ऊपर कोई जिलजिला के ऐसा कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई मुसीबत में हम फंस जाएं सबसे पहले आपके तुर्की ने आना है, अफगानिस्तान ने आना, ईरान ने आना है, मगर बदकिस्मती से जो दुश्मन मुल्क है इंडिया ये इसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और बाकी मुल्कों के साथ कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो आपने बोला दुश्मन मुल्क वाली सोच हम छोड़ क्यों नहीं देते और दूसरे नंबर पे क्यों बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रियां ना बेहतर करें एक बात है। आपके चैनल के वसात से हम साफ साफ कह देंगे ये मियां साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, इनके जाती वहाँ पे कारोबार है वहाँ पे इंडिया में इनके मिले हैं वो तो सबको पता है ना, इंडिया में इनके मिले हैं वो चाहते हैं कि जनाब वाला वहाँ बिजनेस उनका बेहतर हो ताकि उनको प्रॉफिट मिले, तो फिर तो ज्यादा रिलेशन बेहतर होने चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे मोस्टली लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की या नून लीग वालों की जिनकी इस टाइम गवर्नमेंट है पाकिस्तान में उनका इंडिया में बिजनेस है, तो बिजनेस हो फिर तो ज्यादा रिलेशन बेहतर होने चाहिए, फिर क्यों रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे? इसके हालात ये है ना अभी पीडीएम का जो टोला है जो 14 जो जमातें एक साथ हुए हैं इनका फुकदान ये मुल्क का हाल ही हम दिवाले हो चुके ना, अब ये जिस परेशान जिस दलदल में ना ये क्या लोग किसी मुल्क के साथ अपनी रिलेशन को अब बूस्ट करेंगे, एक्चुअली इसका मकसद ये इस वक्त मैशत के ऊपर इतने थके हुए इतना बैठा हुआ है वो दिवालिया हो चुके हैं, ये सिर्फ शर्म के मारे और खान साहब की बुख्ज इमरान के अंदर ये जो ना चीज़ों को अच्छा बता रहा वरना तो ये दिवालिया की तरफ है। गिलगित से बिलोंग करते हैं आपको, गिलगित के हवाले से लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहा था गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा था आटे को लेकर आटे के बहरान को लेकर, उसमें कुछ लोगों की के मतलब ये ज़मीनों का इशू था कि भाई हमारी जो सी अपनी हमारी अपनी ज़मीनें हैं जिन पे हमारे कागजात नहीं है या हमारा वो कब्जा उस तरीके से नहीं है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई इंडिया के साथ जो सा हमें हम एक वो एरिया मुतनाज़ा इलाका है डिस्प्यूटेड एरिया तो इससे अच्छा तो कश्मीर वाले हैं जो इंडिया के साथ हैं। देखे ना जी गिलगित बल्तिस्तान वालों को खान साहब के दौर हुकूमत में 370 अरब रुपये पहली बार मिला था, यानी कि 75 सालों में पहली बार इतना बड़ा पैकेज मिला था। ये बता दें कि हमारे रिलेशन भी नेबर के साथ कोई भी हो हम नफरतें खत्म कर दें मोहब्बतें बढ़ाएं, जैसे देखें अब आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया के तल्लुक ईरान के साथ तुर्की के साथ अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं और हमारे खराब हो रहे हैं, क्या ऐसा करें कि हमारे भी रिलेशन बेहतर हो, हमारे भी स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाएं, उनके स्टूडेंट वहाँ से यहाँ आए, पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो। इसके लिए हमें ये करना है जैसे अपने चाइना के अंदर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग पढ़ते हैं
और चाइना से हमारी दोस्ती भी अच्छी है, हमने तमाम ममालिक के साथ अपनी दोस्ती अच्छी रखनी होगी। समझे नहीं है कि जो चाइना में स्टूडेंट्स जाते हैं ना वो फीस देकर पढ़ते हैं, मोस्टली स्कॉलरशिप होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं। इंडिया वालों ने जो अफगान स्टूडेंट्स को बुलाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, उनके टीचर्स ऑलरेडी वहाँ पे उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये मैंने फेलियर पहले ही बताया कि हमारी गवर्नमेंट की फेलियर ये जिस तरीके से आगे मुल्क पे काबिज होना, अब इनको समझ नहीं है कि मुल्क के बेहतरी के लिए ना करना क्या है। और जहाँ चाइना की मैंने आपको बात की, मुझे पता है कि चाइना के अंदर सैकड़ों यूनिवर्सिटी, जितना पूरे पाकिस्तान भर में यूनिवर्सिटी, उनके दो प्रोविंस के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज़ है, दुनिया भर से लोग पढ़ते। जो मेरे इल्म है बता रहा हूँ आपको, स्कॉलरशिप पे बेस पे 65% हमारे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने खास तौर पे जाते हैं, डॉक्टर्स मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मतलब पढ़ रहे हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ जो है एक प्रोविंस के अंदर उनके हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इसी तरह जैसे चाइना कर रहा है दुनिया भर के ममालिक के साथ, हमें भी करने की ज़रूरत है, इंडिया के साथ हो, अमेरिका के साथ, किसी भी कंट्री के साथ, ताकि उससे आपके मुल्क की मैशत और हर लिहाज से सियासी इस्तेहकाम हो जाता है, जो अदम इस्तेहकाम ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि भाई कैसे जैसे इंडिया रिलेशन बेहतर कर रहा है, उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, देखें जैसे आप ये तो मानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, मानते हैं या नहीं? एजुकेशन सिस्टम बहरहाल वहाँ बेहतर होगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में भी बेहतर है। आप क्या इसके बारे में कहते हैं, मानते हैं या नहीं उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, आईटी का सिस्टम बेहतर है, उनके इंजीनियरिंग का सिस्टम बेहतर है? नहीं, इंडिया का हमसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। अभी मैं उसके अलावा मैं और ममालिक की जो बात करूँ, यही फुकदान है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट आते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने ही लोग लगाते हैं, उन मनसब पे फाइज करते हैं। अभी एजुकेशन का कोई अगर हेड फेवरेट, जिसकी वजह से तकरीबन जो इदारा है वो उनकी तबाही बर्बादी का। अच्छा लगा इनसे बात करके। गिलगित बल्तिस्तान से ये आए हैं, इनकी ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी थी कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे ओवरऑल पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ किस तरीके से चल रहा है, अफगान गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या समझते हैं। आप तक मैंने ये बात पहुँचाई, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? अजहर। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं? अजहर। करते क्या हैं? तो मैं काम करता हूँ सर। काम करते हैं, सभी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस यही सर, हम न्यू नार्कलिंग में काम करते हैं, बस 1000 रुपए दिहाड़ी पे करते हैं काम। चले, अच्छी बात है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, किसी भी कंट्री को ऊपर लेकर जाने के लिए। इंडिया वाले अफगानिस्तान में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 2500 के करीब, यानी 2500 के करीब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को अपने कंट्री में मंगवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं एजुकेशन देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर देखिए, ये जो मैंने एक न्यूज़ में मैंने सुना है कि इंडिया ने हमारे जहाँ पर वो जंजला आया, क्या नाम है, तुर्की में, अब इंडिया ने उधर बहुत ही मदद की है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि जी इंडिया ने आई कि वो गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, आई कि हमारे मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, मुसलमान तो वो तो है ही है, वो हिंदुओं से ज़्यादा उधर हैं, जैसे भाई इतना बड़ा मुल्क है वो, उधर तो हो गई, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, बाकी सारी बातों की एक बात, लेकिन ये बात मानने वाली है कि जैसे तुर्की में हेल्प की है इंडिया वालों ने, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, बड़े बड़े को, जो भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखता है तुर्की के बारे में जानता है, सबको पता है कि कितनी हेल्प इंडिया वालों ने की है, यानी दिल जीत लिया। दिल यकीन करे कि हमने शुरू से ही बचपन से यही सुना है कि पाकिस्तान इंडिया क्या नाम है, ऐसे ही है, वो है, हमारे मुखालिफ में बोलता है, चाहे जो भी है, मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन वो जो उधर तुर्की में है ज़्यादा हमारा इस्लामी मुल्क गिना जाता है, ठीक है, हमें हेल्प की यकीन से करें, अब चाहे वो जो भी हो, लेकिन हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे मुसलमानों भाइयों की हमायत की है, उन परेशानी में उनका हेल्प की है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान को भी अब चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये देखे, एक सुना है कि क्या नाम है, एक पाकिस्तान ने, एक इंडिविजुअल ने, पाकिस्तानी ने के पैसे अदा किए हैं, देखे उन अगर नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े तो करें, हेल्प जरूर करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्या वजह है? मुसलमान होने का एक वादा आप कर सकते हैं तो उसका जाई भी तो करें। ठीक हो गया। क्या वजह है कि रिलेशन हमारे दिन ब दिन अफगानिस्तान से खराब हो रहे हैं? कभी बॉर्डर पर कोई ना कोई क्लैश चलता है, कभी कहीं पे कोई हमला होता है तो TTP वाले या तालिबान जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमने किया है, जबकि दूसरी साइड पे इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, एजुकेशन भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, उन्हें वो राशन भी दे रहे हैं। सर ये बात ना, जो ये जो जितनी भी ये जो बातें आई जाती ना सर, ये जो एजुकेशन पे ना, ये एजुकेशन पे डिपेंड की जाती है, ठीक है ना। अब ये देखें वो पढ़े लिखे लोग, मैं अपनी बात कहूँ,
देखने में मैं आपको स्टूडेंट लग रहा हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक रेगुलर मशीन में काम करने वाला, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप इस वाले से बात करें ना, अगर पाकिस्तान में इतने इतने अमीर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको आपको बेहतर पता है मुझसे, ठीक है ना। इतने अगर वो अपनी दौलत में से एक एक परसेंट भी दें ना उधर, तो इंडिया को भूल जाओ आप लोग। ऐसे ऐसे लोग शख्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे शख्स भी बैठे हैं, दिए भी हैं, जो आप आगे कह रहे थे ना 30 मिलियन एक पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने। अगर ये मैं वही कह रहा हूँ, ये तो हजारों तदार की तरह, अगर ये पांच शख्स यहाँ से उठकर एक एक पर्सन दे ना अपनी अपनी जायदाद में से, अपनी प्रॉपर्ट में, बेहतरी तो बेहतरी, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के भी रोने डुल जाए। अच्छा लगा।